हेलो प्यारे बच्चों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 के मैथ में त्रिकोणमिति 8.1 से पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 से हम पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक। अब पहले सवाल चलिए देखिए। अब जैसे कि हम आपको एक सवाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें हमको दो चीज़ें ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। फिर उसके बाद कॉस सी और कॉस सी साइन सी। चलिए पहले हम समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे। ABC में देखिए AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। AB हमारा 24 सेंटीमीटर है, ये हमारा AB हुआ जो कि 24 सेंटीमीटर है, और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज बनाए। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में यहाँ हम समकोण 90 अंश का कोण बना, ये हमें मालूम है AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें AC नहीं मालूम है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, कर्ण है। तो लंब और आधार हमें मालूम है लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए लंब कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है, 7, 7 का वर्ग करेंगे। अब हम 24 का वर्ग करेंगे यानी 24 का गुणा 24 में करेंगे तो ये 576 होगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 × 49 होगा। अब हम दोनों जोड़ देंगे, 9 × 6 = 15 यानी कि 625 हुआ। जब इस तरफ से स्क्वायर हटता है इस तरफ करड़ी लगती है, 625 का वर्गमूल 25 हुआ, 25 सेंटीमीटर का हमारा कर्ण हुआ। अब देखिए जब हम कोण ए लेंगे तब ये हमारा लंब है और ये आधार है, जब कोण सी लेंगे तब ये आधार और ये लंब है। पहला हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए आप जानते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टैन का होता है लंब बटे आधार। अब जो है काट का होता है आधार बटे लंब, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कोशेक का होता है कर्ण बटे लंब। हम पहले साइन ए ले रहे हैं, कहने का मतलब ये कोण ले रहे हैं, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हुआ, जिसमें लंब हमारा अब ये बनेगा क्योंकि जब हम ये कोण लेते हैं तो ये आधार बनता है, ठीक है। लंब हमारा हुआ कितना, 7, कर्ण कितना है, 25। अब फिर हम कॉस ए लेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 24, अवकर्ण कितना होगा, 25।
अब फिर उसी की तरह हम दूसरा मान निकालेंगे, दूसरा है कॉस सी, हम ये कोड़ लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लम हो जाएगा। अब कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। अब जो है साइन सी, साइन सी जब हम साइन सी लेंगे तो साइन का होता है लम बटे कर्ण, तो लम कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक, अब इसी तरह से हम आपको दूसरा सवाल चल रहे हैं बताने, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा है हमारा सवाल, चलिए देखिए, चलिए देखिए दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में दिया है, चूंकि आकृति यहां पी क्यू आर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी आर 13 सेंटीमीटर है। इसमें पूछा है आकृति में, दूसरा सवाल, आकृति में दिया है को त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए और पूछा है टैन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ये हमारा 8.1 का दूसरा सवाल है। चलिए इसमें देखिए, अब जो है इसमें हमारा लम मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले आधार निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हमको आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग, और लम कितना है 12, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग 144, जब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 25। अब a बराबर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ करनी रहेगी, 25 का वर्गमूल कितना आया 5, ठीक, ये आधार हमारा कितना आया 5। अब हम tan p और cot r का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था sin, cos, tan, cot, sec, cosec। अब देखिए पहले हम देखेंगे हमारा दिया हुआ है tan p, tan का मान लम बटे आधार, लम बटे आधार, लम कितना है 12, tan p यानी कि ये कोण ले रहा है तो हमारा लम क्या बनेगा QR बनेगा, लम कितना है 5, आधार कितना है 12। अब tan के बाद cot लेंगे तो cot r बराबर हम ये कोड़ लेंगे, तब ये हमारा आधार है और ये लम है, तो cot r बराबर आधार बटे लम, चूँकि आधार हमारा कितना है 5, लम कितना है 12। अब मान पूछा है tan p माइनस tan r, चूँकि tan p का मान 5/12, tan cot r का मान 5/12, दोनों घटाने कितना आएगा 0। अब चलिए तीसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, तीसरा सवाल, चलिए देखिए तीसरा सवाल हमारा है, तीसरा है
साइन ए बराबर तीन बटे चार, तो कॉट ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉट ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें देखिए, अब साइन ए बराबर होता का है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी तीन बटे चार, जहाँ लंब कितना है तीन, कर्ण कितना है चार। अब जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है चार, चार का वर्ग करेंगे, लंब कितना है तीन का वर्ग करेंगे, चार का वर्ग सोलह, तीन का वर्ग नौ। सोलह में से नौ निकाल दिए सात, जब इस तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ कर्णी लगती है, यानी आधार हमारा कितना है सात। अब हम टैन ए का मान ज्ञात करेंगे। टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, टैन का लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब हमारा तीन है, कितना है तीन, आधार कितना है कर्णी में सात। अब जो है टैन के बाद हम काट का मान ज्ञात करेंगे। काट होता है आधार बटे लंब, आधार कितना था कर्णी में सात, लंब कितना है तीन। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल हमारा हल हुआ। अब हम आपको चौथा सवाल बता रहे हैं जो कि 8.1 पाठ से है। चौथे सवाल में देखिए, अब देखिए चौथा सवाल है, यदि पंद्रह कॉट ए बराबर आठ हो तो कॉट ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉट ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ये वाला सवाल। अब देखिए पंद्रह कॉट ए बराबर आठ, तो कॉट ए बराबर का हो जाएगा आठ बटे पंद्रह। अब कॉट का होता का है, कॉट बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब, अब इसमें आधार है लंब है कर्ण नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें देखिए, अब कर्ण का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का। तो लंब कितना है पंद्रह, आधार कितना है आठ, पंद्रह का वर्ग किए 225 हुआ, आठ का वर्ग किए 64। अब हम दोनों जोड़ देंगे, पाँच चार नौ, छः दो आठ और दो, 289 हुआ। जब हम इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ कर्णी लगेगा, 289 किसका वर्गमूल है 17 का, ये हमारा आया कितना 17। अब हम कॉट ए निकालेंगे, चूँकि कॉट ए तो हमें पता था 8/15 है, हम टैन ए निकालेंगे। टैन होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक और मान दिया था साइन का निकालने के लिए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना था 15, कर्ण कितना है 17। ठीक, इस प्रकार से हमारा चौथा सवाल भी पूरा हुआ। अब हम आपको पांचवा सवाल बताने चल रहे हैं। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल इस प्रकार से है, देखिए पांचवा सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो आपको सिद्ध करना है
कोण ए कोण बी न्यून कोण है जहां 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 आपका दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, अब चलिए देखिए, चूंकि कोण ए और बी न्यून कोण है, ए बी सी कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण है। अब देखिए, तो कोण ए कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस ए बराबर होता क्या है? कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? बी सी। कर्ण कितना है? ए बी। ये समीकरण एक बना लीजिए। अब कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी जब हम ये कोण ले रहे हैं, देखिए पहले जब हमने कॉस ए लिया था तो हमारा ये कोण था। ठीक है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा तब? ए सी। आधार कितना होगा? ए सी। और कर्ण कितना होगा? ए बी। कर्ण कितना होगा? ए बी। अब उसी प्रकार से हमने जो है कोण बी लिया, जब कोण बी लेंगे तब ये कोण हम ले रहे हैं, तो आधार हमारा क्या बनेगा? बी सी। अब जो है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? बी सी। कर्ण कितना है? ए बी। अब चलिए यहाँ देखिए, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए का मान कितना आया? ए सी बटे ए बी। और कॉस बी का मान कितना आया? बी सी बटे ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब, जब भुजा बी सी भुजा ए सी के बराबर है तो कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ लिखेंगे सम्मुख भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, एक बार पुनः फिर समझिए। जैसे कि कोण ए बराबर कोण, हमारा प्रश्न था कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, और दिया था तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हमने देखा कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जब हम ये कोण लेंगे तब ये हमारा आधार बनेगा, ये तो कर्ण है। आधार कितना है? ए सी। कर्ण कितना है? ए बी। फिर हमने कोण लिया कॉस बी, बी में ये कोण लेंगे तब हमारा बी सी आधार बनेगा, कर्ण का है ए बी। अब चलिए, अब कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए का कितना आया? ए सी बटे ए बी। और कॉस बी का कितना है? बी सी बटे ए बी। चूंकि दोनों का हर समान है तो ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, ए सी बराबर कितना है? बी सी। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज में सम्मुख भुजाएं यदि बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। अब चलिए हम आपको पांचवा सवाल बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा सवाल हमारा है, सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो पांचों त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। सेक थीटा बराबर 13/12, तो शेष पांचों
अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें देखिए, आपको बताया गया है साइन कॉस टेन क्वाट सेक कोसेक, ठीक है। अब जो है सेक है तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, ठीक है। अब जो है अब हम कर्ण दिया है आधार दिया है, हमें लंब नहीं मालूम है, तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे, पहले लंब ज्ञात करेंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का वर्ग, आधार कितना है 12, 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 169, 12 का वर्ग 144, आप घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 25। जब इस तरफ से स्क्वायर हटाते हैं इस तरफ कर्णी लगती है तो 25 का वर्गमूल आता है कितना 5। अब शेष पांचों अनुपात आपको निकालना है, तो आप जानते हैं पहले होता है साइन थीटा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, पहले हम सीधा चलेंगे लंब बटे कर्ण। अब बताइए लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, कर्ण कितना है 13। अब साइन के बाद कॉस आता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब उसके बाद आता है टैन थीटा, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब हमारा है 5, आधार कितना है, आधार हमारा है 12। अब उसके बाद कॉट आते हैं, अब हम उल्टा चलेंगे, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है, आधार देख रहे हैं आप 12 है, लंब कितना है 5। अब उसके बाद सेक का मान तो दिया ही है, अब हम कोशेक का निकालेंगे, तो कोशेक थीटा बराबर होता है कोशेक थीटा का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना था 13 और लंब कितना है 5, ठीक। इस प्रकार हम पांचों अनुपात ज्ञात कर लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा जो है छठवां जो सवाल है जो इस प्रकार से है, चलिए देखिए छठवां सवाल है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको मान ज्ञात करना है किसका, 1 + sin θ, 1 - sin θ अपन 1 + cos θ, 1 - sin θ और दूसरा मान ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का। चलिए आप देखिए cot θ बराबर होता का है, cot का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी 7/8, जिसमें हमारा आधार 7 और लंब कितना है 8। अब हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब यानी 8 का वर्ग, आधार यानी 7 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। अब हम दोनों जोड़ देंगे, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 = 11। जब इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ कर्णी लगेगी, अब कर्ण हमारा आया 113। अब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण,
साइन थीटा लम बटे कर्ण, जिसमें लम हमारा 8, कर्ण कितना है यानी 113। साइन के बाद हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण हमारा कितना है कैडी में 13। अब चलिए अब हम मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि पहले मान दिया है 1 + sin θ 1 - sin θ / 1 + cos θ / 1 - cos θ। यहाँ देखिए हमारा सूत्र बना a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी वही सूत्र बना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को ऐसे रहने देते हैं, साइन का मान कितना है, साइन का मान 8 बटे कर्णी में 113, जिसका हम स्क्वायर कर देंगे चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा है। फिर उसके बाद कॉस का मान कितना है 7 बटे कर्णी में 113, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए देखिए आगे, आप देखिए यहाँ पर एक ऐसे रहेगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 और कर्णी 13 का वर्ग करेंगे केवल 113 हो जाएगा। फिर हम एक ऐसे ही रहेगा, 7 का वर्ग करेंगे 49, कर्णी में 113 का केवल 13, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पर केवल कर्णी हटेगी। 113 का गुणा हम एक में किए, 113 माइनस 64 बटे 113 हुआ, और यहाँ 113 का गुणा एक में किए, 113 माइनस 49 बटे 113, ये पलटने पर कट जाएगा। अब 113 में से हम 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 निकाल दिए 9, और यहाँ 10 में से 6 निकाल दिए 4, 49 बचा, और यहाँ 113 में से हम 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64, कितना बचेगा 64। इस प्रकार हमारा मान आया, चूँकि दूसरा मान था काट स्क्वायर थीटा, तो काट का मान कितना है 7/8, 7/8 का हम वर्ग कर देंगे, चूँकि 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। अब हमने आपको 8.1 का पूरा अभ्यास आपको पढ़ा दिए, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें 8.2 से पढ़ाएंगे। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आपका उसका वीडियो जो है हम बनाते रहेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आए वो निश्चित रूप से कमेंट कर सकता है कि हमें कहाँ और किस जगह समझ में नहीं आया, उसको हम फिर से बनाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।